नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप झारखंड राज्य के पेट्रोल सब्सिडी की सीएम सपोर्ट ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और क्या रहता है पूरा प्रोसेस, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य में 26 जनवरी 2022 से पेट्रोल सब्सिडी स्कीम लागू हो चुकी है, जिसके तहत आपको पेट्रोल 25 रुपए सस्ता मिल सकता है। और इसी से जुड़ी पेट्रोल सब्सिडी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं और आज हम पेट्रोल सब्सिडी से जुड़ी सीएम सपोर्ट की इस ऐप को डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस जानने वाले हैं। तो दोस्तों, पेट्रोल सब्सिडी स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको सबसे पहले सीएम सपोर्ट की इस ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक दे रखी है, जहां से आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा, जहां पे सबसे पहले स्टेप में आपको अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करना है। राशन कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर भी यहाँ मेंशन करना होगा, जिसके बाद आपको आगे बढ़े के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा गया है, जिसे आपको यहाँ अप्लाई कर लेना है और आगे बढ़े के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का ये पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है वाहन विवरण दर्ज करें, यहाँ आपको अपनी गाड़ी संख्या और अन्य डिटेल यहाँ मेंशन करनी होगी। दूसरे ऑप्शन में आवेदन स्थिति जांचें, इसमें आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन लॉग आउट का है, जिससे आप ऐप लॉग आउट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आवेदन करने के लिए हम वाहन विवरण दर्ज करें के इस ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने वाहन विवरण का ये पेज खुल के आ जाता है, जहाँ सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी वाहन संख्या डालनी है, दूसरे में वाहन मालिक का नाम यानी कि जिसके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है उनका नाम यहाँ मेंशन कर देंगे, तीसरे में पिता एवं पति का नाम आप यहाँ मेंशन कर देंगे, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल संख्या आप यहाँ पे डाल देंगे। देन लास्ट स्टेप है सदस्य सूची से वाहन मालिक का नाम चुनें। तो नीचे आपको एक लिस्ट दी गई होगी जहाँ आपके परिवार के सदस्यों का नाम होगा, जिनमें से आपको वाहन के मालिक का नाम चुन लेना है। इसके बाद आपको आगे बढ़े के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद आप फिर से खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के इस पेज में आ जाते हैं, जहां से आपको अपने आवेदन की स्थिति जांच करनी है। तो आप आवेदन स्थिति जांच के इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, जिसको क्लिक करते ही आपके सामने यह पेज खुल के आ जाएगा, जहां पे आपको कैलेंडर की हेल्प से आवेदन का मंथ एंड ईयर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको खोज करे के ऑप्शन को क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके सामने आपके आवेदन का स्टेटस यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें सबसे पहले आपका नाम, देन आपका व्हीकल नंबर और ये बताया गया है कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप सीएम सपोर्ट के इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही पेट्रोल सब्सिडी स्कीम के लिए आप खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।